वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले कि अगर आप एक किसान हैं, उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं और आप किसान हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, तो देखिए आपको अपने ज़मीन के बारे में जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। जिस ज़मीन पर आपकी फसल उगती है, अगर आपका खेत बीमार हुआ है, अगर आपका खेत बीमार है यानी कि पोषक तत्वों की कमी है, तो भैया डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आपके खेत में फसल अच्छी नहीं होगी। अगर आपका खेत में जो पोषक तत्व हैं वो स्ट्रांग हैं यानी खूब भरपूर मात्रा में हैं, तो आप कैसे भी फसल बो दें आपकी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए आपको अपने फसल बोने से पहले आपको खेत की जानकारी रखना ज़रूरी है। तो देखिए मैं आपको इसी बारे में बता रहा हूँ कि आपको अपना जो सोयल टेस्ट होता है, यानी कि जो आपकी ज़मीन की मिट्टी का टेस्ट होता है, अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं करवाया, देखिए सरकार की तरफ से इसमें जो टेस्ट होता है वो फ्री में कराया जाता है, जिससे कि आपकी फसल एकदम स्ट्रांग हो सके, आपको पता चल सके हमारे खेत में कौन से पोषक तत्व की कमी है और कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में है। तो देखिए मैंने काफ़ी दिन हो गए हैं, हमने एक सोयल टेस्ट अपना कराया था। तो देखिए मैं सबसे और इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप अपना सोयल टेस्ट रिपोर्ट होती है, अगर आप उसे भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। मैं हूँ रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रसिक टेक। जैसे यहाँ पर आ जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर सोयल हेल्थ कार्ड की ये वेबसाइट है, आपको यहाँ पर सिर्फ सोयल हेल्थ से रिलेटेड जो भी जानकारी है, कितने कार्ड हैं, कितने डिस्पैच हो गए हैं, वो सारी जानकारी, कितने सैंपल्स कलेक्ट हुए, वो सारी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रिंट सोयल। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रिंट योर सोयल हेल्थ कार्ड, तो करने के आपको इसी पे क्लिक कर देनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो पूरा ही देखें, तभी आपको फुल जानकारी मिल पाएगी। देखिए आगे चल के मैं आपको सोयल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ जाने, आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपको कंटिन्यू वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे क्लिक कर देंगे देखिए यहाँ पे स्टेट ऑलरेडी सेलेक्ट है, आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, और आपकी ग्राम पंचायत क्या है वो आपको यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। और देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन देखने को फार्मर्स नेम का, देखिए यहाँ पे फार्मर्स नेम, उसके बाद देखिए यहाँ पे विलेज ग्रिड नंबर और इसे सैंपल नंबर। तो देखिए आपके पास ना तो विलेज ग्रिड नंबर होगा और ना ही आपके पास सैंपल नंबर होगा, तो आपको अपना नाम डाल लेना कि आपका नाम क्या है। तो देखिए मैंने अपना सोयल हेल्थ टेस्ट करवाया था, कुछ मिट्टी मैंने दी थी अपनी जो सरकार की तरफ से जो सोयल टेस्ट होता है। तो देखिए हमारा रिपोर्ट कार्ड है वो आ चुका है, तो देखिए हम अपना यहाँ पर सिर्फ नाम ही डाल दे रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर नाम फिल कर दिया, अब यहाँ पर जो सर्च वाला बटन है उस पर क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर सैंपल नंबर भी शो हो जाएगा और आपका जो विलेज का ग्रिड नंबर है वो भी शो हो जाएगा, नाम यहाँ पर देखिए आपके नाम पर इतने लोग हैं आपके गांव में, देखिए यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा है प्रिंट का, तो करना कि आपको इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। तो देखिए आपके सामने पूरा सोयल हेल्थ कार्ड है वो आपको डाउनलोड होके आ चुका है। अगर आपको भी डाउनलोड करना है तो आप अपने नाम से भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए आपका नाम है, सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आपको। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सोयल टेस्टिंग लैब, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के आ जाएगा। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर मेन चीज़ है आपको यहाँ पर समझने वाली है, अगर आप यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से सारी जानकारी पता चल जाएगी। तो देखिए मेन चीज़ है आपको इस ग्राफ को अच्छी तरीके से समझना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है पीएच, देखिए 8.2 है, यानी कि देखिए मॉडरेट एल्कलाइन, यानी कि या तो देखिए ठीक है, और देखिए ईसी देखिए आपकी 0.82, यानी कि ये भी नॉर्मल है। अब देखिए यहाँ पर लिखा था ऑर्गेनिक कार्बन, यानी कि देखिए इसमें आपके खेत में ये देखिए इसकी मात्रा है बिल्कुल लो है, और ये अवेलेबल नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो वेरी लो है, और यहाँ पर देखिए फॉस्फोरस की मात्रा है वो आपकी यहाँ पर भी वेरी लो है, यानी कि सीधा मतलब यह है कि आपके खेत में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा है वो बहुत ही कम मात्रा में। तो देखिए अगर आप कोई फसल करें तो आपको इन चीज़ों पर गौर ध्यान देना है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अधिक मात्रा रखें जिससे कि आपका बैलेंस बना रहे और आपको फसल अच्छी पैदा हो सके। अब यहाँ पर देखिए अवेलेबल पोटेशियम है, देखिए जो पोटेशियम की मात्रा है वो मीडियम है, ना कम है और ना ज़्यादा है। देखिए सल्फर भी आपके खेत में अवेलेबल है, सही है, जिंक की मात्रा भी सही है, बोरान की भी मात्रा सही है, और आयरन की भी मात्रा सही है, और आपकी मैग्नीज की भी मात्रा आपके खेत में एकदम सही है, यानी कि और जो आपका कॉपर है लास्ट में इसकी भी मात्रा एकदम सही है, यानी कि सफिशियंट है, कोई इनमें कमी नहीं है। अब मेन चीज़ आती है आपकी जो वेरी लो ऑप्शन देखने को मिल जाए आपको, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, इनकी मात्रा कम होने की वजह से आपकी फसल ख़राब हो जाती है, या तो आपकी फसल के पत्ते पीड़े पड़ते होंगे या फिर कोई रोग लग जाता हो जिसकी वजह से आपकी फसल ख़राब हो जाती है। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान और जब फसल बोएं तो आपको इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखते हुए खेत में लगानी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है या फिर आपको अपना ही ऐसे ही सोयल कार्ड डाउनलोड करना है तो एक बार आप भी ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है अगर आपका सैंपल गया हो खेत का तो आपको भी अपना सैंपल डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पहली बार वीडियो अच्छे से सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही कॉन्टेंट देखने को मिलते रहते हैं वीडियो देखने के।